वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो माइंडर्स इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप फाइव हाई रिस्क कॉइन्स के बारे में जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो हाई रिस्क के कारण इनका रिटर्न भी बहुत हाई होता है वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें नंबर फाइव पर है जिल जिल एक पब्लिक परमिशन लेस ब्लॉक चैन है जिसका पर्पज है ब्लॉक चैन स्केलेबिलिटी एंड स्पीड को इम्प्रूव करना विद हेल्प ऑफ शेयरिंग का यूज बहुत सारे फाइनेंस प्रोजेक्ट करती है इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट जिल ब्लॉकचेन का यूज करते हैं जिल क्लेम करता है कि वो वर्ल्ड की फर्स्ट ब्लॉकचेन है जो एंटायरली करती है शेयर्ड नेटवर्क पर जिस वजह से जिल वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट ब्लॉकचेन है इसके साथ ही इसमें स्टेकिंग करना भी बहुत इजी प्रोसेस है अभी रिसेंटली इसके प्राइस में फोर टाइम्स का मैसिव गेन देखने को मिला था जिसके पीछे का रीजन था एक्सपेंशन जिल ब्लॉकचेन का फोकस है इन नियर फ्यूचर में गेमिंग मेटावर्स इंटर पर फोकस करने का और इनका न्यू फीचर जिल ब्रिज जिसकी वजह से इसके प्राइस में इतना मैसिव गेन आया था अपने ऑल टाइम हाई 0.25 डॉलर को टच करने के बाद इसके प्राइस में 70 परसेंट से ज्यादा का करेक्शन आ चुका है और अभी इसका प्राइस ट्रेड कर रहा है 0.08 डॉलर के राउंड और इसकी रैंक है बाय मार्केट कैप 74. नेक्स्ट है शिपकॉइन एंड डोजकॉइन ये दोनों ही कॉइन बहुत रिस्की है बट इसके साथ साथ इनमें रिटर्न भी बहुत हाई मिल सकता है शिपकॉइन ने क्रिप्टो स्पेस में वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न दी है अपने इन्वेस्टर्स को और अभी भी बीम कॉइंस में शिपकॉइन एंड डोज कॉइन सबके फेवरेट बने हुए हैं। मीम कोइंस का वैसे तो प्रैक्टिकल यूज़ रियल लाइफ में बहुत ही कम होता है इसलिए तो एलन मस्क इसे बहुत सपोर्ट करते हैं और इसको लेकर ट्वीट करते रहते हैं एंड शिबा इनको पर भी बहुत सारे डेवलपमेंट देखे जा सकते हैं लाइक रिसेंटली इन्होंने अपना बर्निंग पोर्टल शिबेरियम लॉन्च किया था इन्वेस्टर्स के लिए और इन नियर फ्यूचर इनका प्लान है मेटावर्स डेवलप करने का भी शिबावर्स जिस वजह से शिपकोइन एंड बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट बन जाती है बट इसके साथ साथ ये रिस्की भी है शिपकॉइन एंड में इन्वेस्ट करना जितना ज्यादा रिस्की है उतना ही ज्यादा रिटर्न आपको इसमें मिल सकता है डोजकोइन अपने ऑल टाइम हाई से 82% के तक तो करेक्ट हो चुका है एंड शिबा अपने ऑल टाइम हाई से 77 के राउंड तक तो करेक्ट हो चुका है दोनों ही हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले कॉइन हैं। अगर आपके पास पेशेंस है और आप रिस्क टेकर हो तो जरूर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो नंबर थ्री पर है स्टेपिन स्टेप स्टेपिन एक वेब थ्री प्ले टू अन गेम बेस्ड है ब्लॉक चेन राइट नाउ स्टेपिन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एन एफ टी प्ले टू वन गेम है और इसके यूजर्स में डेली बेस में बहुत ज्यादा राइस देखने को मिल रहा है जिस वजह से इन्होंने डेली के थाउजेंड यूजर को इनविटेशन के थ्रू एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है इन में आपको बाय करने होते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अर्निंग कर सकते हो स्टेप इन गेम को आप एंड्रॉइड एंड आईओ एस दोनों पर इंस्टॉल कर सकते हो इसके नेटिव टोकन जीएमटी में लास्ट टू मंथ में टू थाउजेंड परसेंट का राइज देखने को मिला है जिसके कारण अभी ये एक रिस्की इन्वेस्टमेंट बन जाती है जैसा बुलरन आप अभी जीएमटी में देख रहे हैं वैसे ही बुलरन एंड क्रेज हमें एक्सी इन्फिनिटी में भी देखने को मिला था नेक्स्ट सिक्स मंथ टेप इन गेम के लिए काफी एक्साइटिंग होने वाले है क्योंकि कई सारे न्यू फीचर इसमें ऐड होंगे जिससे इसके यूजर बेस में और ज्यादा राइस देखने को मिलेगा अभी इसका प्राइस ट्रेड कर रहा है 2.6 डॉलर के राउंड और इसकी रैंक है मार्केट का 50। नंबर टू पर है कडेना के डी ए कडेना ब्लॉक चैन इको सिस्टम का फीचर है बिजनेसिस डेवलपर्स एंड यूजर को इंटरेक्शन एंड डाटा शेयरिंग इन अ डिसेंट्रलाइज मैनर अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क कडेना ब्लॉकचेन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व करती है इंडस्ट्री में जो है इन ऑपरेबिलिटी अक्रॉस द इंडस्ट्री इसके अलावा ब्लॉकचेन को स्केल करने में और नेटवर्क कंजेशन में भी ये बहुत ये अपने कस्टमर्स को हेल्प करते हैं नेटवर्क कंजेशन का एग्जाम्पल आप इथेरियम को देख सकते हो नेटवर्क क्वालिटी इथेरियम की डाउन हो रही है जिसका रिजल्ट आप रिकॉर्ड हाई गैस फेसिज में देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ कडाना यूजर इस प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं 2020 में कडाना ने अपने नेटवर्क को 10 चैन से 20 चैन तक एक्सपेंड किया था और उनका कहना है कि वो आगे चलकर इसे और ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं लास्ट ईयर इसका प्राइस वन डॉलर से ट्वेंटी फोर डॉलर को टच कर गया था जिसके बाद ये अपने ऑल टाइम हाई से 80 से ज्यादा करेक्ट हो चुका है राइट नाउ कडाना का प्राइस ट्रेड कर रहा है डॉलर के अराउंड और इसकी रैंक है मार्केट कैप नंबर पर दी सैंड बॉक्स सैंड इज अ फुल फ्लेज वर्चुअल गेमिंग वर्ल्ड है, है जहाँ पर प्लेयर टोकन अर्न कर सकते हैं अपनी कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज के थ्रू देंड बॉक्स प्ले टू अर्न मॉडल पर वर्क करता है सैंड बॉक्स में आपको कई सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने को मिलते हैं और आप सैंड क्रिप्टो अर्न कर सकते हो जिसका यूज आप सैंड बॉक्स वर्चुअल वर्ल्ड में लैंड बाय करने में और अदर वर्चुअल ऑब्जेक्ट बाय करने में कर सकते हो आप बिल्डिंग क्रिएट कर सकते हो आप इसमें क्रिएटर भी बन सकते हो और गेमर्स भी सेंड बॉक्स ने एक मेटावर्स क्रिएट किया है जो प्लेयर्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं वो फर्दर इसके डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं दिस सैंडबॉक्स की जो वर्ल्ड रैंक है बाय मार्केट कैप वो है 40. आफ्टर फेसबुक नेम चेंज अनाउंसमेंट इसके प्राइस में एट टाइम्स का मैसिव गेन देखने को मिला है इसका ओल्ड टाइम हाई है 8 डॉलर के अराउंड जो इसने लास्ट ईयर नवंबर में टच किया था बट अभी के मार्केट क्रैश के बाद इसके प्राइस में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है और इसका प्राइस अपने ओल्ड टाइम हाई से सेवेंटी तक करेक्ट हो चुका है इसलिए इसके वैल्यूएशन अब काफी अट्रैक्टिव हो गए है इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये थी दोस्तों टॉप फाइव हाई रिस्क कॉइन्स जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड लास्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू जय हिंद